हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हो एंटरटेनमेंट फॉर यू। दोस्तों, एंटरटेनमेंट फॉर यू की आज के हमारे वीडियो में हम देखने वाले हैं भोजपुरी फिल्म वीर योद्धा महाबली का ट्रेलर। और फिल्म का ट्रेलर काफ़ी शानदार है। फिल्म की स्टार्टिंग हुई थी, यानी फिल्म जब शूट होना स्टार्ट हुई थी 2017 में, फिल्म को बहुत बड़ा बजट मिला था। हालांकि भोजपुरी इंडस्ट्री में तकरीबन 3 से 4 करोड़ तक की फिल्में ही बनती हैं जिनका बजट होता है, लेकिन ये फिल्म वीर योद्धा महाबली का बजट रखा गया था 20 करोड़ रुपए। फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी थी, फिल्म का कुछ भाग भी शूट हो चुका है और इस फिल्म के लिए बहुत बड़े बड़े सेट बनाए गए थे। हालांकि भोजपुरी इंडस्ट्री में गाँव और कस्बों में शूट किया जाता है, लेकिन पहली बार किसी फिल्म के लिए हो रहा था कि किसी फिल्म के लिए सेट बनाया गया था। VFX की टीम हायर की गई थी, उसका नाम था वीर योद्धा महाबली। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इसी फिल्म के ट्रेलर के बारे में और आप देख सकते हो फिल्म का ट्रेलर यहाँ पे, वीर योद्धा महाबली। फिल्म के VFX काफी शानदार हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसे VFX देखने हमें नहीं मिलते हैं। हमें ऐसे ही VFX और ऐसी फिल्म की जरूर है। डायलॉग काफी अच्छे हैं और बहुत ही शानदार हैं। फिल्म को काफी अच्छा बनाया गया है सच में। सुशील सिंह हमेशा बहुत ही अच्छे कैरेक्टर को प्रेजेंट करते हैं। ये हमारे निरहुआ भैया जो कि बने हैं वीर योद्धा महाबली महाबली। दाम है बॉस। और निरहुआ मेगा स्टार होते हैं साथ में, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। डायलॉग डिलीवरी की काफी शानदार है। दम दम है वीर योद्धा महाबली में। अब कुछ लोग इसे बाहुबली से कंपेयर करेंगे, लेकिन ये बाहुबली नहीं है, ये है महाबली है। दम है बॉस। ऐसी फिल्में भोजपुरी भी डिजर्व करता है। हम सब की सांसें स्तंभित हैं। आम्रपाली दुबे बहुत ही खूबसूरत है। सही है, बहुत बड़े बड़े सीट सुन सीट किए हैं। फिल्म का प्रेजेंटेशन काफी बेहतर है। काफ़ी बड़ी बजट की फिल्म बनाई है। 20 करोड़ का काफ़ी बड़ा होता है भोजपुरी इंडस्ट्री में। दुश्मन की मौत। महाबली विजेता की तरह पैदा हुआ और एक विजेता ही रहा। दम है बॉस। जिसे छूना आसान नहीं था, ना वो दर्द से कराह, ना वार से छटपटाया। योद्धाओं में योद्धा महाबली, वीर योद्धा महाबली। तो ये था वीर योद्धा महाबली का टीजर ट्रेलर जो कि हमने देखा आपके साथ। फिल्म का ट्रेलर काफ़ी शानदार है और इस फिल्म को ऑफिशियली रिलीज़ नहीं किया गया था, लेकिन हम मुझे इस फिल्म का ट्रेलर मिला और मैंने इस फिल्म के ट्रेलर पर रिएक्शन किया। फिल्म काफ़ी बड़ी बजट की थी, मतलब कि ये फिल्म बंद हो चुकी है। फिल्म के डायरेक्टर थे इकबाल बख्श और उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि कुछ बजट का इशू आया फिल्म में और इस कारण ये फिल्म बंद हुई। हालांकि बहुत सारे लोग बहुत सारे रीज़न देते हैं, लेकिन एक डायरेक्टर ही बता सकता है कि फिल्म क्यों बंद हुई। फिल्म बहुत बड़ी बजट थी, वो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था जो कि बनाना चाहते थे। फिल्म को बहुत सारी लैंग्वेज में, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ लैंग्वेज में रिलीज करने की प्लानिंग थी, लेकिन बजट कम था और इस तरह से ये फिल्म बन नहीं पाई। लेकिन हाँ, अगर ये फिल्म बनती, इंडस्ट्री हिट होती और रातों रात भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत बड़े पैमाने पर चमकता। ये फिल्म हम डिजर्व करते हैं और ऐसी फिल्म भी भोजपुरी इंडस्ट्री को बनानी चाहिए, ताकि हाँ हम भी बोले कि हाँ मैं भोजपुरी लैंग्वेज बोलता हूँ और मैं भोजपुरी लैंग्वेज से बिलोंग करता हूँ।
अगर आपको इस फिल्म का ट्रेलर पसंद आया तो कमेंट करें, वीडियो पसंद आया तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।